एक फनकार। नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष एक फनकार प्रोग्राम में मैं गजेंद्र खन्ना आपका स्वागत करता हूं। इस प्रोग्राम में हम मखमली आवाज के मालिक तलत महमूद साहब को श्रद्धांजलि देने वाले हैं। वैसे तो मैं उन पर कई घंटे का प्रोग्राम दे सकता हूं, पर समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए यहां एक ट्रेलर आपकी खिदमत में पेश नजर है। तलत साहब का जन्म 24 फरवरी 1924 के दिन लखनऊ के कंजर्वेटिव परिवार में हुआ था। यदि वे आज होते तो 96 साल के होते। उनके वालिद मंजूर महमूद साहब वैसे संगीत पसंद तो करते थे, पर वो चाहते थे कि तलत अपनी पढ़ाई पर जोर दें और फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लें। जानते हैं उनका फैमिली बिजनेस किस चीज का था? लैंप्स और लैंप शेड्स का। उनके 6 बच्चों में से एक तलत साहब को लेकिन लोगों के घरों को नहीं बल्कि संगीत की गलियों को रोशन करना था। उनकी रिश्तेदार महलका बेगम किडवई ने उन्हें उस दौर में काफी प्रोत्साहित किया और उनका शौक दिनों दिन बढ़ता रहा। लखनऊ की सरजमीन को उसकी तहजीब और ठुमरियों दोनों के लिए जाना जाता है। ऐसा माहौल तलत साहब की परवरिश में एक बहुत अहम इन्फ्लुएंस रहा होगा। एक बार एक इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा था कि तलत साहब उन दिनों में आप किन्हें सुनते थे। तब उन्होंने बताया था कि क्लासिकल सिंगर्स की महफिलों के अलावा वे सैगल साहब को बहुत पसंद करते थे। तलत साहब ने कहा कि उन्हें याद नहीं कि उन्होंने कितने घंटों कुंदनलाल सैगल साहब के गीत गुनगुनाते हुए बिताए। सैगल साहब के गीतों में उनका सबसे पसंदीदा गीत था करूं क्या आस निराश भई, जो 1939 की फिल्म दुश्मन का था। किशोर तलत के जहन पर सैगल साहब का इस तरह से काफी तगड़ा इन्फ्लुएंस रहा। उन्होंने सैगल साहब को अपने एक गैर फिल्मी गीत में ट्रिब्यूट भी दिया था, जिसके बोल थे, हुआ दिल खून लेकिन अश्क अफसाने। इस गाने को कादिर लखनवी साहब ने लिखा था। आइए सुनते हैं इस गीत को। अफशानी नहीं जाती, सफीना हो चुका है गर्क, तुगयानी नहीं जाती। निगाहें शौक की पहले पहल जब चार होती है, मोहब्बत की नजर उस वक्त पहचानी नहीं जाती, मोहब्बत की नजर उस वक्त पहचानी नहीं जाती। कसम खाता हूँ उसने यूसुफो, इश्क़े ज़ुलेखा की, दामन चाक होकर पाक दामानी नहीं जाती, के दामन चाक होकर पाक दामानी नहीं जाती। ए
चमन दिल का उजड़ता है तो वीरानी नहीं जाती। चमन दिल का उजड़ता है तो वीरानी नहीं जाती। जब चलते थे वो मेरे इशारों पर कदीर, अब तो मेरी एक बात भी मानी नहीं जाती। कदीर अब तो मेरी एक बात भी मानी नहीं जाती। हुआ दिल लेकिन अश्क अपशानी नहीं जाती। अपने वालिद के जोर देने पर तलत साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था, लेकिन उन्हें जल्द ही यकीन हो गया कि उनका इंटरेस्ट माइक्रोबायोलॉजी में नहीं बल्कि मौसीकी में ही है। ऐसे में उन्होंने लखनऊ के मशहूर मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूज़िक में दाखिला ले लिया था। उनके शब्दों में, वो वहाँ राग यमन कल्याण से आगे नहीं बढ़ पाए थे, पर उनके टीचरों को उनकी गायकी बहुत पसंद थी। अपने मॉडेस्ट अंदाज में इसका कारण वो बोले कि शायद मेरी आवाज़ अच्छी रही होगी। 16 बरस की उम्र में ही वे लखनऊ के ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर गालिब, दाग, मीर और जिगर की गज़लें गा के लखनऊ में एक अच्छा नाम कमा चुके थे। 16-17 बरस की उम्र में उन्हें उनकी पहली रिकॉर्डिंग का मौका कैसे मिला वो भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है। अपने खाली समय में वे प्राइवेट महफिलों में काफ़ी शिरकत किया करते थे। ऐसी एक महफिल में HMV की टैलेंट स्काउट टीम आई हुई थी, जिसका प्रतिनिधित्व HMV के मशहूर PK सेन कर रहे थे। उन्होंने तुरंत तलत महमूद साहब के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और उन्हें कलकत्ता ले गए। वहाँ 1941 में उनका जो पहला रिकॉर्ड निकला वो फैयाज हाशमी साहब ने लिखा था और कमल दास गुप्ता जी ने संगीतबद्ध किया था। उसके बोल थे, सब दिन एक समान नहीं था, पन जाऊंगा क्या से क्या मैं, इसका तो कुछ ध्यान नहीं था, जो शायद उनके सुनहरे भविष्य की भविष्यवाणी ही तो था। आइए इस गीत का लुत्फ लें। सब दिन एक समान नहीं था, सब दिन एक समान नहीं था, बन जाऊंगा क्या से क्या मैं, बन जाऊंगा क्या से क्या मैं, इसका तो कुछ ध्यान नहीं था, सब दिन एक समान नहीं था। उसने मुझको था अपनाया, उसने मुझको था अपनाया, बना मैं उसकी जीवन छाया, बना मैं उसकी जीवन छाया, मेरा गुलशन हरा भरा था, मेरा गुलशन हरा भरा था, उजड़ा या सुनसान नहीं था, उजड़ा या सुनसान नहीं था, सब दिन एक समान नहीं था। उसके गले का हार कभी था, मुझसे उसको प्यार कभी था, उसके गले का हार कभी था, मुझसे उसको प्यार कभी था, बसा हुआ संसार हृदय का, बसा हुआ संसार हृदय का,
सब दिन तो शमशान नहीं था, सब दिन तो शमशान नहीं था, सब दिन एक समान नहीं था। कभी गीत जो हंस कर गाया, रोकर उसको अब दोहराया। कभी गीत जो हंस कर गाया, रोकर उसको अब दोहराया। मैं था स्वामी सुख नगरी का, मैं था स्वामी सुख नगरी का, दुख का तो मेहमान नहीं था, दुख का तो मेहमान नहीं था, सब दिन एक समान नहीं था, सब दिन एक समान नहीं था। बताते हैं कि इस गाने की रिकॉर्डिंग में मशहूर संगीतकार पंकज मलिक भी मौजूद थे और वे तलत की गायकी से बहुत प्रसन्न भी हुए थे। 6 गानों की रिकॉर्डिंग के बाद तलत वापस 2 साल मॉरिस कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी करने चले गए थे। इन 2 सालों में तलत साहब गंगूबाई हंगल, फैयाज़ खान और रोशन आरा बेगम जैसे गायकों को लखनऊ में प्रोग्रामों में सुनते थे। बस कलकत्ता आए तो फिर पंकज साहब से मिलने चले गए। उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा जब पंकज मलिक साहब ने उन्हें सैगल साहब की एक रिकॉर्डिंग में जाने का निमंत्रण दिया। वो गीत जिसकी रिकॉर्डिंग हुई वो फिल्म माई सिस्टर के लिए गाया गया था और उसके बोल थे, दो नैना मतवारे। तलत साहब के लिए यह एक ड्रीम कम ट्रू मोमेंट रहा होगा। वहाँ कलकत्ता में सैगल, पीसी बरुआ जैसे कई दिग्गजों से उनकी पहचान हुई और फैयाज जैसे गीतकार, कमल दासगुप्ता जैसे कुशल संगीतकार के साथ उनके कई रिकॉर्ड निकलने लगे। कुछ के नाम हैं, सोए हुए हैं चांद और तारे, पंछी प्रीत की रीत निभा और निगाहों को चुरा कर रह गए हैं। असली बदलाव 1944 में आया जब तलत फैयाज कमल दास गुप्ता की तिगड़ी ने पूरे भारत में अपनी अगली रिकॉर्डिंग से एक तूफान सा ला दिया। उस जमाने में उनके नए रिकॉर्ड ने 1,00,000 से भी ज़्यादा की बिक्री की थी। आइए सुनते हैं तलत साहब की जिंदगी बदलने वाला वो गाना। तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला सकेगी, ये तेरी तरह मुझे तो शर्मान सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला सकेगी। मैं बात करूँगा तो ये खामोश रहेगी, सीने से लगा लूँगा तो ये कुछ न कहेगी, मैं बात करूँगा तो ये खामोश रहेगी, सीने से लगा लूँगा तो ये कुछ न कहेगी, आराम वो क्या देगी जो तड़पान सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला सकेगी। ये आँखें हैं ठहरी हुई चंचल वो निगाहें, ये हाथ है सहमे हुए और मस्त वो बाहें, ये आँखें हैं ठहरी हुई चंचल वो निगाहें, ये हाथ है सहमे हुए और मस्त वो बाहें।
आई सो इन कान के काम न सकेगी। तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। वो तो को कई याद मैं कुछ कह न सकूंगा। इस जुल्फ को मैं हाथ में भी ले न सकूंगा। इन होठों को कई याद मैं कुछ कह न सकूंगा। इस जुल्फ को मैं हाथ में भी ले न सकूंगा। उलझी हुई रातों को ये सुलझा न सकेगी। तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। कलकत्ता की फिल्मों दुनिया भी उनके फेमस होने को जान चुकी थी, और वह दिन दूर नहीं था जब उनको ऑफर आने लगे। उनको पहला मौका पीसी बरुआ की एमपी प्रोडक्शंस की फिल्म राजलक्ष्मी में 1945 में मिला। इस फिल्म की हीरोइन कानन देवी थीं और छवि विश्वास भी इस फिल्म में थे। इसी फिल्म में तलत साहब ने अपने पहले हिंदी फिल्म के गाने गाए। हीरोइन तो उनके ऑपोजिट नहीं थी, पर वे सिंगिंग स्टार ज़रूर बन गए। आए सुनते हैं इसी फिल्म के लिए गए उनके पहले हिंदी गीत जागो मुसाफिर जागो, खोलो मन का द्वार को। जागो मुसाफिर जागो, जागो मुसाफिर जागो, खोलो मन का द्वार। जागो मुसाफिर जागो, जाग उठा है आलम सारा, जाग उठा है आलम सारा, प्रेम की आई पुकार। जागो मुसाफिर जागो, आए साथी उन्हें बुला लो, दिल से दिल को आज मिला लो। आए साथी उन्हें बुला लो, दिल से दिल को आज मिला लो। आए साथी आए, सौदा कर लो हंसी खुशी का, जग से कर लो प्यार। जागो मुसाफिर जागो, मिल के यहाँ पे बिछड़ जो जाए, कोई कोई तो फिर मिल जाए। मिल के यहाँ पे बिछड़ जो जाए, कोई कोई तो फिर मिल जाए। जीवन की इस राह पे कोई, जीवन की इस राह पे कोई आता एक ही बार, आता एक ही बार। जाग उठा है आलम सारा, प्रेम की आई पुकार। जागो मुसाफिर जागो, अजब तमाशा वो दिखलाता, अजब तमाशा, अजब तमाशा वो दिखलाता, जो किसी से किसी का नाता, जो किसी से किसी का नाता। कोई न जाने कौन तार में वो, कोई न जाने कौन तार में वो बांधे कौन सा तार। जागो मुसाफिर जागो,
का द्वारा ममता दिल जागो। सिंगिंग स्टार तलत महमूद ने इस फिल्म के अलावा 12 और फिल्मों में भी सिंगिंग स्टार के तौर पर निभाई अपने किरदार। उस दौर की टॉप हीरोइंस उनके ऑपोजिट थीं, जैसे मधुबाला, श्यामा, सुरैया, नादिरा, माला सिन्हा और नूतन। इन 13 फिल्मों में अगली दो कलकत्ता में ही उन्होंने की। 1947 में एमपी प्रोडक्शंस की ही तुम और मैं आई, जिसमें भी वही मुख्य कास्ट थी, कानन देवी और छवि बिस्वास। 1946 से उन्होंने अपना नाम तपन कुमार रख लिया था और कई बंगाली नॉन फिल्म गाने भी रिकॉर्ड करवाए थे। पता नहीं उन्होंने अपना नाम ऐसे क्यों बदला था, शायद ऐसा उन्होंने ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी के लिए किया हो। ये भी हो सकता है कि इसका कारण ये भी हो कि उस फिल्म के एक एक्टर का नाम उनसे बहुत मिलता जुलता था, तलाक महमूद। उस समय वे मात्र 21 वर्ष के थे। आइए उनका तपन कुमार के नाम से गाया हुआ, उस वक्त रिकॉर्ड हुआ एक बंगाली गीत सुने। হাওয়া হিম 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 পরশা, তুমি এলে আজ মনে সহসা, পথ চলিতে যে তাই ভরসা। রিম ঝিম ঝিম বরসা, হাওয়া হিম 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 পরশা, তুমি এলে আজ মনে সহসা, পথ চলিতে যে তাই ভরসা। রিম ঝিম ঝিম বরসা, চেয়েছি তোমারে কত সাথে যে, হাতখানি রাখি ওই হাতে যে, আমি চেয়েছি তোমারে কত সাথে যে, হাতখানি রাখি ওই হাতে যে, মনে এলে ওগো মন হরসা, পথ চলিতে যে তাই ভরসা। রিম ঝিম ঝিম বরসা, হাওয়া হিম 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 পরশা, তুমি এলে আজ মনে সহসা, পথ চলিতে যে তাই ভরসা। রিম ঝিম ঝিম বরসা, হৃদয় আমার আজ বলে তাই, চোখের দেখাতে যদি নাই পাই, হৃদয় আমার আজ বলে তাই, চোখের দেখাতে যদি নাই পাই, বাঁশি শুনেছে যে মন মনসা, পথ চলিতে যে তাই ভরসা। রিম ঝিম ঝিম বরসা, ঝরো ঝরো ভরসার ধারাতে, স্বপ্ন যদি গো হয় হারাতে, ঝরো ঝরো ভরসার ধারাতে, স্বপ্ন যদি গো হয় হারাতে, হৃদয়ের ভরা ক্ষেত সরসা, পথ চলিতে যে তাই ভরসা। রিম ঝিম ঝিম বরসা, হাওয়া হিম 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 পরশা, তুমি এলে আজ মনে সহসা, পথ চলিতে যে তাই ভরসা। রিম ঝিম ঝিম বরসা। और 1949 में आई उमा प्रोडक्शंस कलकत्ता की फिल्म संपत्ति, जिसमें उनके ऑपोजिट भारती देवी थीं। इस फिल्म से उन्होंने फिर अपना मूल नाम अपना लिया था। इस फिल्म में तिमिर बरन के संगीत में उन्होंने कम से कम 5 गीत गाए थे। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली,
यह फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई। उस समय उनके नॉन फिल्म गीत ज़्यादा चल रहे थे और फिल्मी गीत बहुत कम। उसके बाद ही उन्होंने शायद बॉम्बे आके अपनी लक ट्राई करने का फैसला लिया था। मीना मंगेशकर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि तलत महमूद की बॉम्बे में पहली महफिल संगीतकार अनिल विश्वास के घर पर हुई थी, जहां वे अपनी दीदी लता मंगेशकर के साथ मौजूद थीं। तलत की गाई गज़ल सुनकर उनके मुताबिक दोनों बहनें झूम उठी थीं। अनिल विश्वास की ही फिल्म आरजू 1950 के गीत ए दिल मुझे ऐसी जगह ले चल ने ऐसी धूम मचाई थी उस ज़माने में कि उसके बाद तलत ने फिर पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। आइए फिल्म आरजू का वो सुपरहिट गीत सुनते हैं। जगह ले चल जहाँ कोई न हो, ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो, अपना बराया मेहरबाना मेहरबान कोई न हो, दिल मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ कोई न हो। जाकर कहीं खो जाऊं मैं नींद आए और सो जाऊं मैं नींद आए और सो जाऊं मैं, जाकर कहीं खो जाऊं मैं नींद आए और सो जाऊं मैं नींद आए और सो जाऊं मैं, दुनिया मुझे ढूंढे मगर मेरा निशान कोई न हो, दुनिया मुझे ढूंढे मगर मेरा निशान कोई न हो। उल्फत का बदला मिल गया वो गम लुटा वो दिल गया, वो गम लुटा वो दिल गया, उल्फत का बदला मिल गया वो गम लुटा वो दिल गया, वो गम लुटा वो दिल गया, जलना है सब से दूर दूर अब कारवां कोई न हो, अपना पराया मेहरबाना मेहरबान कोई न हो, ऐ दिल मुझे ऐसी जगह ले चल। ...1949 की फिल्म राखी में हुसनलाल भगतराम ने उनसे तेरी गली से बहुत बेकरार होके चले गवाया था, तो बुल्लो सी रानी ने जोगन में दिलीप कुमार पर फिल्माए सुंदरता के सब शिकारी गवाया था। खेमचंद प्रकाश ने अपनी आखिरी फिल्म जान पहचान में राज कपूर और नरगिस पे फिल्माए अरमान भरे दिल की लगन तेरे लिए है को गीता रॉय के साथ तलत से गवाया था। ले देकर सभी दिग्गज उनसे गवाने लगे थे और वे सब टॉप एक्टर्स की आवाज़ बन गए। आप सबको याद होगा कि उस दौर में कई रिकॉर्ड्स पर गायकों के नहीं एक्टर्स के नाम होते थे। ऐसे ही एक हिडन तलत साहब के गीत को अब सुनेंगे। फिल्म थी 1950 की पगले
और रिकॉर्ड पर लिखा था बेगम पारा और शरी। सुनिए ये गीत और बताइए तलत साहब के साथ कौन गायिका गा रही है। चांद की कुछ बात हो गई, तारों से अब चांद की कुछ बात हो गई, आपस में दो दिलों की मुलाकात हो गई, आपस में दो दिलों की मुलाकात हो गई, तारों से अब चांद की कुछ बात हो गई, तारों से अब चांद की कुछ बात हो गई, आपस में दो दिलों की मुलाकात हो गई, आपस में दो दिलों की मुलाकात हो गई। कोई नजर मिला के मोहब्बत सिखा गया, दिल को खुशी से आज धड़कना भी आ गया, क्या जाने आंखों आंखों में क्या घात हो गई, क्या जाने आंखों आंखों में क्या घात हो गई, आपस में दो दिलों की मुलाकात हो गई, आपस में दो दिलों की मुलाकात हो गई। आँखों में तेरे ख्वाब हैं, होठों पे तेरे गीत, आँखों में तेरे ख्वाब हैं, होठों पे तेरे गीत, तू आरजू है दिल की हर सांस तेरा मीत, तू आरजू है दिल की हर सांस तेरा मीत, अब मेरी जिंदगी भी तेरे साथ हो गई, अब मेरी जिंदगी भी तेरे साथ हो गई, आपस में दो दिलों की मुलाकात हो गई, आपस में दो दिलों की मुलाकात हो गई। अपना बना के देखो दामन न छोड़ देना, अपना बना के देखो दामन न छोड़ देना, दिल में समाने वाले दिल को न तोड़ देना, दिल में समाने वाले दिल को न तोड़ देना, मंजूर उनकी दिल को हर बात हो गई, मंजूर उनकी दिल को हर बात हो गई, आपस में दो दिलों की मुलाकात हो गई, आपस में दो दिलों की मुलाकात हो गई, तारों से अब चांद की कुछ बात हो गई, तारों से अब चांद की कुछ बात हो गई, आपस में दो दिलों की मुलाकात हो गई, आपस में दो दिलों की मुलाकात हो गई, तारों से अब चांद की कुछ बात हो गई। जी हाँ, तलत साहब के साथ राजकुमारी जी गा रही थीं। इस गीत के कंपोजर थे स्नेहल भाटकर, जिन्होंने इस फिल्म में वीजी भाटकर अपने मूल नाम से ही संगीत दिया था। फिल्म के लिए लिरिक्स बेहजाद लखनवी, काबिल अमृतसरी और अंजुम रहमानी ने मिलकर दिए थे, पर इंडिविजुअल क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। दोनों गायक ही बड़ी मखमली आवाज़ के मालिक थे। दोनों ने 1953 की पंजाबी फिल्म कोड़े शाह में भी अपने गाने से धूम मचा दी थी, जिसका संगीत दिया था सरदुल क्वात्रा ने और बोल थे वर्मा मलिक के। श्यामा और दलजीत पर फिल्माए इस गीत का आइए अब मजा लें। Yeah.
कर रब तरसी कोई सजनानू मेल दे, सजनानू मेल दे। लगियां ने टुट गईयां दुखां विच टुट गईयां, बैठे चैन गवा के हाय गोरी की खट आए दिल लाके। आज तो विसार छट तू मैं लुभानिया, उल जा सके पुताते उल जा सके जुल्फाने खुल गईयां, ऐसी नरमी भरी आवाज में और कौन गा पाता। 1956 में विलायत में स्टेज शो करने वाले वे पहले गायक थे। उन्हें लोग इतना पसंद करते थे कि रेडियो स्टेशन में फरमाइश भेजी जाती थी कि तलत महमूद का कोई भी गाना बजवा दीजिए। ऐसी फॉलोइंग कम ही गायकों को नसीब हुई है। तलत साहब ने अपने करियर में सभी मेजर सिंगर्स के साथ दो गाने गाए थे। फीमेल सिंगर्स के साथ तो उनके कई डुएट प्रचलित हुए थे। नेक्स्ट मैं आपको उनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग गज़ल सुनाने वाला हूँ। गज़ल या तो आमतौर पर सोलो होती है या मेल फीमेल डुएट, लेकिन यह एक मेल डुएट है। यह जो गज़ल है वो भी एक स्पेशल गज़ल का टाइप है जिसे हम रदीफ गज़ल कहते हैं। इन गज़लों में वही रदीफ यानी राइमिंग वर्ड का रिपीटिंग पैटर्न इस्तेमाल करते हैं जो दूसरी किसी और शायर की गज़ल में होता है। इसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है गालेपी गज़ल, जिसका मतला इस प्रकार से है, मेहरबान होके बुला लो मुझे चाहे जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ भी ना सकूँ। इस गज़ल के जवाब में लखनऊ के शायर अमीर मीनाई साहब ने जवाब में एक हमरदीफ गज़ल लिखी थी, जिसका मतला था, उसकी हसरत है जिसे दिल से मिटा भी ना सकूँ, ढूंढने उसको चला हूँ जिसे पा भी ना सकूँ। अब जो हमरदीफ गज़ल हम सुनने वाले हैं उसे दाग ने शायद गालिब के जवाब में लिखा था। मज़ा लीजिए। म्यूज़िक है रघुनाथ सेठ का और गा रहे हैं तलत महमूद, मशहूर गायक सीएच आत्मा के साथ। दिल ही तो है ना संकोची, दर्द से भर आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों, रोएंगे हम हजार बार। तो है ना क्यों, दम ही तो है न जाए क्यों, हमको खुदा जो सब्र दे तुझ साहसी बनाए क्यों, दिल ही तो है ना नहीं, बैठे हैं
थे हम, कोई हमें उठाए क्यों, रोएंगे हम हजार बार। तलत साहब पता नहीं कितनी बार हमारा मन मोह चुके हैं। तलत साहब ने अपने करियर में करीब दर्जन भाषाओं में गीत गाए थे,
जिनमें हिंदी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी के अलावा मलयालम, मारवाड़ी, तेलुगु, मराठी, सिंधी, उड़िया, भोजपुरी, असमीज के अलावा गुजराती में भी गीत शामिल हैं। तलत साहब के बारे में कहने को कई प्रोग्राम लग जाएंगे, जो मैं फिर कभी कहूँगा। आइए कार्यक्रम का अंत में तलत साहब के एक गुजराती गैर फिल्मी गीत जवाब देने क्या छे तू, जिसकी कॉम्पोजिशन कर्सी मिस्त्री जी ने की थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये डेब्यू प्रोग्राम पसंद आया होगा। शुक्रिया, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे ने क्या छे तू, ओ मारा दिल में आरज़ू। जवाब देने क्या छे तू, ओ मारा दिल में आरज़ू। जवाब देने क्या छे तू, मन तारो साथ अनुभवे, तन आँखो देखुआ चहे, तन आँखो देखुआ चहे, एक बार आओ रूबरू, ओ मारा दिल नियारू। जवाब देने क्या छे तू, तू चाहे ते तने दूं, असत यनो जरी कहूं, तारो ए गुलाम छू, तुम्हारा दिल में आरज़ू। जवाब देने क्या छे तू, जवाब दे ने क्या छे तू।